श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। कृष्ण भक्त अपने आराध्य की पूजा की तैयारियों में लगे हैं। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन पड़ रही है, 1-2 सितंबर यानी रविवार को मनाई जाएगी, तो वहीं दूसरी वैष्णव जन 3 सितंबर यानी सोमवार को यह पर्व मनाएंगे। आपको बता दें कि गृहस्थ जीवन वाले वैष्णव संप्रदाय से ही जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व बेहद खास है। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात को हुआ था। ज्योतिषाचार्यों की माने तो इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर ठीक वैसा ही संयोग बन रहा है जैसा द्वापर युग में कान्हा के जन्म के वक्त बना था। इस खास संयोग को कृष्ण जयंती कहते हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र हो, इस दौरान सूर्य सिंह राशि में और चंद्रमा वृष राशि में हो, तब श्री कृष्ण जयंती का शुभ योग बनता है। जन्माष्टमी का यह पर्व सिर्फ वैष्णव संप्रदाय के लिए ही नहीं बल्कि सभी हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में जहां भी हिंदू हैं वहां यह पर्व पूरी निष्ठा और विधि विधान से मनाया जाता है। इस साल भी यह त्यौहार सोमवार यानी 3 सितंबर को मनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं।